दोस्तों वेलकम टू द इन्वेंटर्स ब्लॉग। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, जहां मैं इन्वेंटर यश आपको बताऊंगा साइंस टेक्नोलॉजी इन्वेंशन और सोशल फिलोसफी से जुड़ी हुई कुछ मजेदार बातें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। दोस्तों अमावस की काली रात का वक्त है और टेररिस्ट देश की सरहद पार करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन देश के वीर जवान ने ना सिर्फ उन्हें देखा बल्कि उन्हें न्यूट्रलाइज भी कर दिया। स्टोर की सारी लाइट स्विच ऑफ है। आधी रात को वहां चोरी भी हुई, पर कैमरे में चोरों की शक्लें साफ साफ देखी जा सकती हैं और इसी की वजह से वो पकड़े भी जाते हैं। कैसे? घने जंगल में आधी रात के वक्त कैसे इथोलॉजिस्ट सक्सेसफुली जानवरों के बिहेवियर की स्टडी कर लेते हैं, वो उन्हें देख कैसे पाते हैं, इतने अंधेरे में कैसे मुमकिन हो पा रहे हैं ये सब काम, क्या आपने कभी सोचा है? दोस्तों आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ नाइट विजन टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसके दम पे हम अंधेरे में भी देख सकते हैं। दोस्तों अंधेरे में इंसान इसलिए नहीं देख पाता है क्योंकि या तो लाइट यानी कि जो फोटॉन्स होते हैं वो पूरी तरीके से एब्सेंट होते हैं, या तो उनकी इंटेंसिटी इतनी कम होती है कि हमारी आंखें उसे डिटेक्ट नहीं कर पाती। और नाइट विजन कैमरों का बेसिक ही यही है, उनका प्रिंसिपल ही यही है कि वो इन रिफ्लेक्ट होने वाले फोटॉन्स को, जो कि अंधेरे में भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ऑब्जेक्ट से, उसकी इंटेंसिटी को इतना एम्पलीफाई कर देते हैं कि हमारी आंखें उन्हें देख पाती हैं। दोस्तों नाइट विजन टेक्नोलॉजी कई तरीके की होती है, लेकिन तीन उनमें से मेन है। पहली टेक्नोलॉजी है इमेज इंटेंसिफिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें जो नेचुरल लाइट्स होती है रात के वक्त, जैसे कि चांद की रोशनी होगी, सितारों की रोशनी होगी, तो वो जब रिफ्लेक्ट होके आती है ऑब्जेक्ट से तो उसकी इंटेंसिटी को इस हद तक एम्पलीफाई किया जाता है कि हमारी आंखें उसे देख पाए। अब ये टेक्नोलॉजी समझने में बड़ी आसान है। इसमें क्या होता है, जो कि नेचुरल सोर्स से जो फोटॉन्स आ रहे हैं, जो कि लाइट आ रही है जो कि बहुत ही कम है, वो जब किसी ऑब्जेक्ट से टकरा करके वापस आती है तो वो एक लेंस के थ्रू एक वैक्यूम ट्यूब में एंटर कर जाती है। इस वैक्यूम ट्यूब में सबसे पहले वो टकराती है एक फोटो कैथोड प्लेट से, जहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसी इमेज के पैटर्न में एमिट होते हैं। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है वो टकराते हैं एक माइक्रो चैनल प्लेट से, जहां पे फिर से कुछ और इलेक्ट्रॉन्स इसी इमेज के पैटर्न में एमिट हो जाते हैं, और लास्ट में एक तीसरी प्लेट से टकराते हैं जिसे फॉस्फोरस स्क्रीन कहा जाता है। फॉस्फोरस स्क्रीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करता है और उसे फोटॉन्स के फॉर्म में यानी कि लाइट के फॉर्म में फिर से एमिट कर देता है, जिसे हम देखते हैं। तो हमको एक इंटेंसिफाई इमेज मिलती है किसी भी ऑब्जेक्ट की अंधेरे में। दोस्तों जो दूसरी टेक्नोलॉजी है वो है एक्टिव इल्यूमिनेशन की। ये वहां पे काम में ले जाते हैं जहां पे कोई भी सोर्स नहीं होता लाइट का, तो हमको एटमॉस्फेयर में लाइट प्रोवाइड करनी पड़ती है। इस टेक्नोलॉजी में इंफ्रारेड रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है सराउंडिंग ऑब्जेक्ट में फ्लैश करने के लिए। उसके बाद वो जो इंफ्रारेड रेडिएशन होगा वो रिफ्लेक्ट होकर के आएगा वापस ऑब्जेक्ट से और डिटेक्टर में जाएगा। डिटेक्टर में वहां पे उसका इमेज इंटेंसिफिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटेंसिफिकेशन होगा, और इस तरह से हमको मिलेगा मोनोक्रोमेटिक लेकिन हायर रिजोल्यूशन की इमेज। इस टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि हायर रिजोल्यूशन की इमेज मिलती है लेकिन मोनोक्रोमेटिक होती है, ब्लैक एंड व्हाइट होती है। दोस्तों अब हमारी जो तीसरी टेक्नोलॉजी है वो थर्मल इमेजिंग की। थर्मल इमेजिंग में इंफ्रारेड रेडिएशन की जो इंटेंसिटी होती है, जो कि हर गर्म ऑब्जेक्ट से निकलती है, उसके बेसिस में एक कलर कोड वाली इमेज जनरेट की जाती है। जैसे कि जो ऑब्जेक्ट गर्म होता है उससे एक हाई इंटेंसिटी वाली इंफ्रारेड रेडिएशन निकलेगी, और जो ऑब्जेक्ट रिलेटिवली ठंडा है उससे एक लो इंटेंसिटी वाली इंफ्रारेड रेडिएशन निकलेगी। तो प्रोग्राम्स के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है कि कहां से ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन आ रहा है और कहां से कम इंफ्रारेड रेडिएशन आ रहा है, उसके हिसाब से एक कलर कोड वाली इमेज जनरेट की जाती है जिसको हम डिस्प्ले में देखते हैं। इस तरह के डिवाइस में 5 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है ऑप्टिकल सिस्टम, जहां से इंफ्रारेड रेडिएशन एंटर करता है। दूसरा होता है डिटेक्टर, जहां पे इंफ्रारेड रेडिएशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तीसरा होता है एम्पलीफायर, इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई किया जाता है। और चौथा होता है सिस्टम प्रोसेसिंग, यहां पे असल काम होता है। प्रोग्राम्स का समूह देखता है कि कहां से ज्यादा इंटेंसिटी वाले इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रहा है और कहां से कम इंटेंसिटी वाले इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रहे हैं। उसके बाद प्रोग्राम्स उसको एक कलर कोड के फॉर्म में इमेज जनरेट करते हैं जिसको हम डिस्प्ले में देखते हैं। जनरली जो रेड कलर होता है वो हाई टेम्परेचर को शो करता है, और जो ब्लू कलर होता है वो लो टेम्परेचर को शो करता है। तो दोस्तों ये तीन टेक्नोलॉजी है नाइट विजन का बेस, और ये बहुत ही कमाल के इन्वेंशन हैं। इनका इस्तेमाल डिफेंस में होता है, रिसर्च में होता है, वेदर प्रिडिक्शन में होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में होता है, मेडिकल साइंस में होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में भी होता है। इसी की वजह से ये इन्वेंशन जो है, ये तीनों इन्वेंशन शामिल है $1 बिलियन प्रोडक्ट्स की लिस्ट में। $1 बिलियन की इन्वेंशन है ये। फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।